हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बुया एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज कैसे किया जाता है। इस एप्लीकेशन में आपको ढेर सारा स्टिकर मिल जाएगा, डेली इसमें आपको नए नए स्टिकर्स मिल जाएंगे। आप इसे ऐड करके अपने फ्रेंड्स में व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन में आप खुद का भी स्टिकर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एप्लीकेशन का यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्ले स्टोर ओपन करेंगे और यहाँ पर से हम बुया एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। इसका लोगो कुछ इस तरह का है, उसके बाद हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस एप्लीकेशन में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी में स्टिकर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर पॉपुलर है, क्यूट है, मीमीसर है, लव है, इमोशन है, मीमी है, फ़नी है, ग्रीटिंग है। इस तरह से आपको इसमें ढेर सारा अलग अलग कैटेगरी में स्टिकर्स मिल जाएगा। आप इसे अपने व्हाट्सएप में ऐड करके अपने फ्रेंड में सेंड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस्टिवल है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह का स्टिकर मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर फ़नी है तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से आपको अलग अलग कैटेगरी में स्टिकर्स मिल जाएगा। तो हम इसे अब सबसे पहले अपने व्हाट्सएप में ऐड कर लेंगे। तो आप जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, फ़नी टॉक्स है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ऐड, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड टू व्हाट्सएप में क्लिक करना है। उसके बाद ये जो स्टिकर है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आई गॉट इट में क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड में क्लिक कर देना है। इस तरह से हमारा ये स्टिकर व्हाट्सएप में ऐड हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से बैक चले जाएंगे और अपना व्हाट्सएप हम ओपन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कोई एक प्रोफाइल को ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो स्टिकर इसमें ऐड किया था वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप इस एप्लीकेशन से ढेर सारा स्टिकर अपने व्हाट्सएप में ऐड कर सकते हैं। तो हम फिर से एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। इसी तरह से इस एप्लीकेशन में आपको अलग अलग कैटेगरी में ढेर सारा स्टिकर मिल जाएगा। आप उसे अपने व्हाट्सएप में ऐड करके और अपने फ्रेंड में सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारा स्टिकर मिल जाएगा और यहाँ पर इस एप्लीकेशन में आप खुद से भी स्टिकर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टिकर क्रिएट करने के लिए जो प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पर इसमें आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसमें क्लिक कीजिएगा, आपका फ़ोन का जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो हम ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं और इसमें स्टिकर क्रिएट करते हैं। तो हम इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर श्योर में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इसे एडिट करना है। तो यहाँ पर आप इसे क्रॉप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री क्रॉप का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आप यहां पर कटआउट कर सकते हैं और इसका स्टिकर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पर टिक मार्क में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर आप स्क्वायर क्रॉप भी कर सकते हैं, जैसे इसमें आप क्लिक कीजिएगा तो यहां पर से आप स्क्वायर क्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको टिक मार्क में क्लिक करना है। तो इसे अभी हम बैक कर देते हैं। यहाँ पर ब्रश का ऑप्शन है, यहाँ पर इसे आप यूज कर सकते हैं और अपने फ़ोटो में स्टिकर में कुछ लिखना चाहते हैं तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको टिक मार्क में क्लिक कर देना है। इसी तरह से आपको यहाँ पर तीन स्टिकर मिनिमम, आपको यहाँ पर तीन स्टिकर क्रिएट कर लेना है। तो हम फिर से यहाँ पर प्लस के आइकन में क्लिक करेंगे और दो और स्टिकर क्रिएट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर से और एक फ़ोटो ले लेते हैं, तो हम ये वाला फ़ोटो लेंगे। उसके बाद श्योर में क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप इसे क्रॉप करना चाहते हैं, जैसे स्क्वायर में क्रॉप करने के लिए स्क्वायर में क्लिक करना होगा और इसे एडजस्ट कर लेना इस तरह से। उसके बाद आपको ऊपर में टिक मार्क दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप टेक्स्ट में क्लिक करके यहाँ पर से कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे नाइस। उसके बाद आपको टिक मार्क में क्लिक कर देना है और कलर यहाँ पर से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टिक मार्क में क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको यहाँ पर टेक्स्ट इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरह से बड़ा छोटा आप यहां पर कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको इमोजीज मिल जाएगा, यहां पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप यहां पर से इमोजीज भी लगा सकते हैं अपने स्टिकर में। इस तरह से इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद है यहां पर स्टिकर का ऑप्शन, इसमें आप क्लिक करके आपको ढेर सारा स्टिकर मिल जाएगा, इसे आप अपने
स्टिकर में ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर से एक स्टिकर लगा लेते हैं, उसे इस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद आपको एडिट करने के बाद आपको यहाँ पर टिक मार्क में क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा दो स्टिकर क्रिएट हो चुका है। तो अब हम और एक स्टिकर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो प्लस का आइकन है, इस पर फिर से हमें क्लिक करना होगा और यहाँ पर से हमें एक और फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है जिसका स्टिकर हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो एक और स्टिकर हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको नीचे श्योर में क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इसे क्रॉप कर ले और टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो टेक्स्ट भी लगा ले इसमें। तो हम इसमें टेक्स्ट लगा लेते हैं, हम इसमें किसी भी तरह का टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है व्हाट, तो इसे हम ऐड कर सकते हैं, टिक मार्क में क्लिक कर दें। उसके बाद इसे छोटा बड़ा जिस तरह का भी आप सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। इमोजीज लगा सकते हैं तो हम इसमें इमोजीज लगा लेते हैं इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टिकर मिल जाएगा, आप स्टिकर भी इसमें ऐड कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक मार्क में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इसे व्हाट्सएप में ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में ऐड टू व्हाट्सएप, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसका कुछ नाम देना होगा, यहाँ पर टैग लगाना है, हम कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं और यहाँ पर कुछ भी नाम डाल सकते हैं टाइटल में। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड में क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर ऐड में क्लिक करना है। इस तरह से हमने जो स्टिकर क्रिएट किया है वो व्हाट्सएप में ऐड हो चुका है। तो अब हम यहाँ से बैक जाएंगे, उसके बाद हम अपना व्हाट्सएप ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमारा जो स्टिकर था वो यहाँ पर ऐड हो चुका है, हमने जो तीन स्टिकर क्रिएट किया है आपको यहाँ पर से दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से इस एप्लीकेशन का आप यूज कर सकते हैं और यहाँ पर आप खुद का स्टिकर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इस एप्लीकेशन में आपको ढेर सारा डेली आपको इसमें नए नए अपडेट आते रहते हैं, आपको यहाँ पर ढेर सारा स्टिकर मिल जाएगा। आप उसे अपने व्हाट्सएप में ऐड करके यूज कर सकते हैं, आपको इसमें ढेर सारा स्टिकर मिल जाएगा। जैसे पॉपुलर है तो यहाँ पर से भी आपको ढेर सारा स्टिकर मिल जाएगा। तो इस तरह से इस एप्लीकेशन का आप यूज कर सकते हैं और नए नए स्टिकर को आप अपने व्हाट्सएप में ऐड कर सकते हैं, अपने फ्रेंड में सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।